바람이 불어온가 밤에 꺼진했던 조각들이 Hi friends, मैं गौरव मेहता कैनेडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज मैं आपसे शेयर करूँगा और जो अभी नई लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं उनका क्या पॉजिटिव या फिर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो वो सारी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ सबको कि कैनेडा में आफ्टर 10th August जो है पीटी को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने पीटी कर रखी है और कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अंडर एसडीएस प्रोग्राम अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अब वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं अंडर एसडीएस प्रोग्राम। देन उसके बाद सेकेंड अपडेट ये है, आईडीपी ने ये बताया है, आईआरसीसी ने अब जो पहले 6 बैंड ईच मॉड्यूल में चाहिए होते थे उस क्राइटेरिया को आफ्टर 10 अगस्त जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। 5.5 भी अगर आपके एक मॉड्यूल में है या फिर 5 बैंड भी किसी एक मॉड्यूल में है बट आपका जो स्कोर है वो ओवरऑल 6 बैंड्स बन रहा है तो आप एलिजिबल होंगे अंडर एसडीएस प्रोग्राम। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ईच मॉड्यूल में 6 बैंड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे, किसी न किसी एक मॉड्यूल में जो है उनका बैंड स्कोर 5 पे या 5.5 बैंड पे अटक जाता था, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी, वो अब कैनेडा में अप्लाई कर पाएंगे अंडर एसडीएस प्रोग्राम अगर किसी एक मॉड्यूल में भी उनका बैंड स्कोर कम है तो। तो अगर ऐसा होता है इसके क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट सोर्स है स्टूडेंट्स का कनाडा के लिए, तो हर साल जो है इंडिया से लाखों स्टूडेंट जो है कनाडा में अपनी फर्दर एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, तो अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी तो बट ऑब्वियस है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी जो हैं वो बढ़ने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स ने IELTS किया है, PTE किया है या TOEFL किया है या इसके अलावा जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट और भी जो एलिजिबल किए हैं KEL वगैरह, तो इन सभी स्टूडेंट्स को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पड़ेगा सभी स्टूडेंट्स के ऊपर। देन उसके बाद जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में बैंड स्कोर 5.5 है और ओवरऑल आपके जो बैंड स्कोर वो 6 हैं तब भी आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। और थर्ड जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है मौका मिलेगा, अब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है कैनेडियन गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स को दे देगी। तो उसके बाद जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा आप स्टूडेंट्स में, पहले जो था एक सेट पैरामीटर था, पर्टिकुलर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो अगर आप क्रैक कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था बट बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, वो अगर आप पूरा कर रहे थे तो आप कनाडा में अप्लाई कर सकते थे अंडर एसडीएस प्रोग्राम। अदरवाइज जो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे थे वो नॉन एसडीएस प्रोग्राम में अप्लाई करते थे जिसमें जो है वीज़ा सक्सेस का रेशियो जो था वो बहुत ही कम था। तो अब जो है बट ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो अप्लाई कर सकेंगे अंडर एसडीएस प्रोग्राम इन रूल्स के आने के बाद। देन सेकेंड जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ सकता है, जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो कनाडा में जा रहा था, ऑब्वियसली अब जो है अगर सभी को मौका मिल रहा है और जिनके बैंड स्कोर भी एक आधे मॉड्यूल में कम है तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है थर्ड इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि अननेसेसरीली जो है वीज़ा रिफ्यूजल रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं और पर्टिकुलर एक कोटा है IRCC का कि हमने एक्स नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स को हमने वीज़ा देना है, हर साल अपॉर्चुनिटी देनी है अपनी कंट्री में स्टडी करने के लिए, तो अब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इसके साथ साथ रिफ्यूजल रेट भी बढ़ सकता है। तो ये प्रिडिक्शन है अभी, अब देखते हैं 10 अगस्त के बाद क्या कुछ नए चेंजेस आते हैं। सो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।